सरकार ने पीएम किसान स्कीम के नियम में बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब रजिस्ट्रेशन के दौरान राशन कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी देना जरूरी कर दिया गया है। अब आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त राशन कार्ड को भी अपलोड करना होगा, वरना आपको अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही सरकार ने इस योजना के लाभ को जारी रखने के लिए EKYC करना भी अनिवार्य कर दिया है। दरअसल सरकार ने पीएम किसान निधि योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह बदलाव किया है। इस योजना में परिवार का एक सदस्य पति या पत्नी ही पैसे ले सकता है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि किसानों के पास राशन कार्ड है तो वे पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास खेत की खितौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है। साथ ही वेबसाइट पर राशन कार्ड नंबर के साथ साथ मांगे गए दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड करनी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।